कहते हैं अगर हिम्मत हो तो कई बार मुश्किलों का रास्ता निकल ही आता है, लेकिन अगर किसी इलाके में रास्ता ही ना होने की मुश्किल हो तो इंसान क्या करे। इस चुनौती के लिए उठे तमाम सवालों का समाधान उत्तराखंड के एक ऐसे शख्स ने निकाला है जिसे आज का दशरथ मांझी कहा जाता है। दशरथ मांझी की कहानी सबको पता है, वो शख्स जिसने अपनी पत्नी के निधन के बाद 22 साल पहाड़ काटकर अपने गांव के लिए रास्ता बनाया। लेकिन ये कहानी तो बस सुनी है, पुराने लोगों ने दशरथ मांझी को देखा है लेकिन आज की पीढ़ी ने नहीं। लेकिन आज की पीढ़ी के सामने इस वक्त उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से एक शख्स है जो दशरथ मांझी के जैसे कहे जाते हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के रहने वाले प्रकाश गोस्वामी, अगर आप प्रकाश का पता पूछेंगे तो वो पता होगा बागेश्वर का गरुड़ क्षेत्र। उत्तराखंड के इस इलाके में रहने वाले प्रकाश गोस्वामी के गांव में सड़क नहीं थी। गांव के लोग अक्सर कच्चे रास्ते से आते जाते थे, कई बार गाड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। प्रकाश ने इस सभी समस्याओं को समझा और उसके बाद प्राइवेट नौकरी करने वाले प्रकाश अब अपने गांव के लिए रास्ता बनाने वाले विश्वकर्मा बने हैं। 43 साल के प्रकाश गोस्वामी पहले मुंबई में नौकरी करते थे, लेकिन कुछ वक्त बाद वो अपने गांव लौट आए तो देखा कि गांव में सड़क ही नहीं, स्कूल से लेकर मंदिर तक जाने के लिए गांव में कोई संपर्क मार्ग नहीं था। जिले के DM, SSP, विधायक, सांसद, ब्लॉक प्रमुख या कहें किसी भी प्रशासनिक पद तक प्रकाश की चिट्ठी ना पहुंची हो ऐसा नहीं हुआ। प्रकाश ने जब सारी मिन्नतें कर अपना सारा प्रयास कर लिया तब भी काम नहीं हुआ और इसके बाद प्रकाश ने सोचा कि अब वो खुद से ही गांव की सड़क बनाएंगे। बड़ा जनप्रतिनिधि आके देखे, मेरे मोदी जी आके देखे, मेरे तोक से गांव तक जुड़ा एक रास्ता नहीं है, बच्चों के स्कूल जाने का एक रास्ता नहीं है। करीब एक साल की मेहनत के बाद प्रकाश ने 500 मीटर सड़क बना डाली। प्रकाश कहते हैं कि वो सुबह 5 बजे से 9 बजे तक काम करते थे और उसके बाद मजदूरी या नौकरी करते थे। उन्होंने कहा कि सड़क करीब करीब पूरी हो गई है, कुछ जगहों पर चौड़ाई कम है और उसे आने वाले जून महीने तक बना दिया जाएगा। गांव के कुछ लोगों ने उनकी मदद की है लेकिन बाकी सारा इंतजाम उन्होंने खुद किया। अभी ये 100 फीट लंबा खाली 3 ही फीट चौड़ा है, ये 100 फीट लंबा 3 फीट जो खाली चौड़ा है, मैं इसको भी 7 फीट 8 फीट बनाऊंगा, अभी 3 या 2 महीने के अंदर बनाऊंगा सर। और 3 महीने के अंदर में मैं इस लक्ष्य को पूरा करके आपको इस पे 4-व्हीलर खड़ी करके दिखाऊंगा। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि प्रकाश आज की पीढ़ी के दशरथ मांझी, वो शख्स जिसने गांव के रास्ते की मुश्किल में अपना रास्ता बनाया है, वो शख्स जो बताते हैं कि अगर हिम्मत से किसी मुश्किल का रास्ता निकाला जाए तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं, वो शख्स जो बताते हैं कि घर के अलावा भी हर आदमी के सामने एक जिम्मेदारी है। प्रकाश ने अपने गांव में उम्मीदों का प्रकाश जरूर किया है, वो ये बताते हैं कि दशरथ मांझी सिर्फ कहानियों में नहीं असल जिंदगी में भी होते हैं।